कर्नल अजय जी, मोटे अनाजों में क्या लगता है आपको, जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया? गेहूं में तो खैर हम देख ही रहे हैं कि निर्यात मांग के चलते जोरदार तेजी है, तो मोटे अनाजों में कुल मिलाकर स्पेशली गेहूं और बाजरा में अब क्या संभावनाएं हैं? गेहूं पर याद होगा अखिलेश जी, जब गेहूं का फसल आने से पहले हमने चर्चा की थी कि वीट में इस बार मुझे अच्छी तेजी दिख रही है, उस वक्त काफी दर्शकों ने कुछ कमेंट्स भी किए थे कि इस बार फसल शानदार है और सरकार एमएसपी से जो माल है, और उस टाइम जब 5 राज्य भी थे, आपको याद हो कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे की सुखबुगाट थी यूपी और मुसफले के, उस वक्त हमने यही कहा था कि शानदार मूवमेंट बनेगी जैसे ही ये चुनाव समाप्त होंगे, चुनाव के बाद में गेहूं की अच्छी मूवमेंट बनने की संभावना बनती है। और उस देखिए कि उसके बाद रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी और उसका पूरा पूरा असर भारतीय निर्यातकों को, किसानों को और व्यापारियों को मिला, और भारत सरकार ने भी 444 लाख टन जो गेहूं की प्रिक्योरमेंट एमएसपी पे करनी थी वो भी किसानों ने सरकार को माल नहीं दिया। पिछली बार सोयाबीन नहीं दी थी, सरसों नहीं दी थी, इस बार गेहूं भी शामिल हो रहा है, तो गेहूं भी किसान नहीं दे रहे हैं, तो सरकार के पास बहुत अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं किसी और चीज में। तो गेहूं में इस बार खबर निकल के आ रही है कि सरकार लगभग 2 लाख टन भी शायद प्रिक्योर नहीं कर पाएगी, 185 की ही प्रिक्योरमेंट हो, और गेहूं के जो दाम है पीछे लगातार तेजी दिखाई दे रहे हैं कि जो बंदरगाहों पे जबरदस्त माल पहुंच रहा है और जून तक के कॉन्ट्रैक्ट निर्यातकों के पास वीट एक्सपोर्ट के हैं, और गेहूं के अंदर जो भाव निकल के आ रहा है वो 2525 तक बढ़ गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ये 360 से 370 डॉलर के आसपास हो गया है, और गेहूं के अंदर 25-30 रुपए की अच्छी तेजी बन चुकी है। अब सवाल रहा मक्का का, मक्का के अंदर भी आप देखें कि जो बाजरा और मक्के की जो जहां तक सवाल है, मक्का के अंदर बांग्लादेश, नेपाल और बिहार को मक्का का एक्सपोर्ट हो रहा है, और आवक बढ़ने के बावजूद भी मक्के में पिछले सप्ताह के दौरान 100 रुपए की क्विंटल की तेजी दर्ज हो रही है, इसका पूरा अनुमान हमने आपको पहले भी दिया था। मंडियों में जो कीमत है मक्की की इसपे मॉइस्चर के हिसाब से है, और ये 2150 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रही है, गोदाम पहुंच तक तो ये और 25 रुपए बढ़कर 2250 रुपए तक का व्यापार देखा जा रहा है। और ये भी सवाल है कि घरेलू और निर्यात मांगों में लगातार अच्छी मूवमेंट की वजह से मक्का के अंदर मूवमेंट है, तो और फिर आप तीसरा सवाल आपने बाजरा के ऊपर पूछा था कि बाजरे का स्टॉक, जैसे आपने बताया कि मंडियों में लगातार कम हो रहा है और कई जगह समाप्त होने की भी सूचना मिल रही है, अराइवल बाजरा की लगभग खत्म सी हो रही है, और गेहूं और मक्की में तेजी आने का असर बाजरे की बिक्री और उसके ऊपर भी पड़ रहा है, और इसमें भी 25-30 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तेज बताया जा रहा है। और गौरतलब है कि बाजरे की नजदीक में कोई फसल आने वाली नहीं है, तो इसके तहत बाजरा तेज है, और बाजरा 1700-1800 रुपए का बाजरा अब आप देखें ये 2325 के आसपास बिक रहा है, और तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजरा, गेहूं और मक्का, ये तीनों मोटे अनाजों ने इस बार किसानों को मालामाल किया है, और हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह किसानों को और व्यापारियों को अद्भुत लाभ हुआ, इसका कोई दोराय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि इतने अच्छे मुनाफे के बाद क्या माल बेच लेना चाहिए या फिर और बड़ी तेजी का इंतजार करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि तेजी की तो हमने बात की थी जो 2 से 3 महीने पहले, और वो तेजी बाजारों में देखने को मिल भी गई है। अब आगे की तेजी और मंदी का विश्लेषण हम लोग अगले एपिसोड्स के अंदर करने का प्रयास करेंगे, पूरा एक स्पेशल एपिसोड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुल मिला के बाजार अभी 1-2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी मंदी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। जी अखिलेश जी। जी कनाजय जी,